नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज खबरों के साथ मैं रवि कुमार गुप्ता। सबसे पहले हेडलाइन, वाणेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का डीएम ने किया जांच। जिलाधिकारी ने बेनीपुर में नल जल योजना का भी जांच किया। मृतक मोहम्मद मिंटू की जनाजे की नमाज में उमड़ी भीड़। 19 से 22 मार्च के बीच होगा सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप। एलएनएमयू के छात्रों ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर शैक्षणिक परिभ्रमण किया। अन्वेषण कार्यक्रम में भाग लेने पटना पहुंचे एलएनएमयू कुलपति। अब खबरें विस्तार से, किंतु छोटे से ब्रेक के बाद। अब करवाएं अपनी बिटिया का एडमिशन हॉली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा सीबीएसई कैरिकुलम न्यू दिल्ली के आधार पर। यहां कक्षा प्री से दसवीं तक की पढ़ाई होती है। हमारा मोटो स्पेशली बच्ची को ऑलराउंड डेवलपमेंट इन एनी एक्टिविटी और कंपटीशन पर है। तो आज ही आए हॉली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर दरभंगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी उपलब्ध है हर एक चौक चौराहे के लिए। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन चालू है 2020 से 21 के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर 9431219670, दूसरा 9534600078, तीसरा 9297907777। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा। आवर क्लासरूम प्रोग्राम्स इंजीनियरिंग मेडिकल एंड प्री फाउंडेशन फॉर क्लास 7 टू 10। रीजन टू ज्वाइन अस। क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इंपेकेबल एडमिनिस्ट्रेशन। हाई क्वालिटी एंड ट्रेंड फैकल्टी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। डॉट सॉल्विंग सेशन एंड स्पेशल हेल्प डेस्क। पैटर्न प्रूफ ट्यूटोरियल। पर्सनलाइज्ड कोचिंग। Motivational seminars and personal counseling. Well-equipped library. S3TMC. Safe campus. Transport facility and reasonable fee. Omega Study Center, Mirzapur Darbhanga. 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। डॉक्टर सुनील कुमार दुबे पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर वन क्लिनिक है। दुबे क्लिनिक सुभाष मार्केट लंगर टोली चौराहा पटना। प्रिंटिंग की दुनिया का ऑल इन वन सॉल्यूशन एमएस ग्राफिक्स। जी हाँ, यहाँ प्रिंटिंग से संबंधित सारे कार्य एक जगह उपलब्ध है, जैसे कि फ्लेक्स प्रिंटिंग, विनाइल, लाइट बोर्ड, वन वे विजन, विजिटिंग कार्ड, सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, कैलेंडर, हैंडविल, पैम्पलेट्स आदि। प्रचार प्रसार के लिए हमारे यहाँ प्रचार प्रसार के लिए रिक्शा भी उपलब्ध है। तो है ना ऑल इन वन सॉल्यूशन एमएस ग्राफिक्स। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता सुभाष चौक नियर ली शोरूम। हमारा मोबाइल नंबर है 8409180860, दूसरा 6200851973। जिलाधिकारी दरभंगा ने मनीगाछी प्रखंड में अवस्थित वाणेश्वरी मंदिर जाकर के इसके जीर्णोद्धार कार्य का आज जांच किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी भवन प्रमंडल दरभंगा को मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिला अधिकारी को यह शिकायत मिली थी कि मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य में संवेदक द्वारा गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जिला अधिकारी द्वारा इस शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए आज वाणेश्वरी मंदिर भ्रमण कर निर्माण कार्य का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि
इस मंदिर का जीर्णोद्धार पर्यटन विभाग बिहार द्वारा कराया जा रहा है, जबकि निर्माण का दायित्व भवन प्रमंडल को दिया गया है। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर के निर्माण कार्य का अनुश्रवण एवं जांच करने हेतु 2 सदस्यीय कमेटी की गठन किया है। इस समिति में DDC डॉक्टर कारी प्रसाद महतो एवं कार्यपालक अभियंता LAEO2 है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा आज बेनीपुर प्रखंड कार्यालय में बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंड में क्रियान्वित की जा रही सरकार की 7 निश्चय योजनाओं के प्रगति की संयुक्त रूप से समीक्षा किया गया। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना में हर घर नल का जल योजना का 100% क्रियान्वयन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च तक डेडलाइन निर्धारित किया गया है, इसलिए 31 मार्च 2020 तक सभी हाउस होल्ड में पाइप के जरिए पीने का पानी पहुँचाना अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के 7 निश्चय की सभी योजनाएं सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार के द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि नियत समय सीमा के अंदर सभी योजनाओं का गुणवत्ता पूर्वक क्रियान्वयन कराए, किसी भी योजना की गुणवत्ता में समझौता नहीं किया जाएगा। खराब गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। रहमगंज के रहने वाले मोती उर रहमान उर्फ मोती के बेटे मोहम्मद मिंटू के जनाजे की नमाज में हजारों की तादाद में लोगों ने भाग लेकर के जनाजे की नमाज पढ़ा और सुपुर्दे खाक किया गया। बता दें कि गुरुवार की सुबह दावत में आए मेहमानों को पटना छोड़ने के लिए कार से गए हुए थे। लौटने के क्रम में रैक प्वाइंट पर कार में जबरदस्त टक्कर हुई और घटना पर मोहम्मद मिंटू बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन मोहम्मद मिंटू को नहीं बचाया जा सका। घर में मोहम्मद मिंटू की मौत को लेकर के बुरा हाल है, तो वही दूसरी ओर मोहल्ले में भी लोग इसमें गमगीन हो गए हैं। मां का बुरा हाल है, जैसे बेटी की खबर आई कि हजारों की संख्या में लोगों ने जनाजे की नमाज में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में 19 से 22 मार्च 2020 के बीच आयोजित सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट संघ द्वारा किया जा रहा है, जो भारत सरकार के खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। इस चैंपियनशिप में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष एवं महिला टीम भाग लेगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिहार की पुरुष एवं महिला टीमों का चयन दिनांक 3 मार्च 2020 को सुबह 10 बजे से दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें बिहार के सभी जिला के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, जिसमें खिलाड़ियों को आधार कार्ड की छाया प्रति और 3 फोटो एवं निबंध शुल्क लेकर के आना होगा। विश्वविद्यालय भूगोल विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28/2/2020 के अवसर पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारत मौसम विभाग पटना के विशेष आमंत्रण पर शैक्षणिक परिभ्रमण किया। इस मौके पर भारत सर्वेक्षण विभाग के उप निर्देशक आर खंडई ने छात्रों का स्वागत किया। विपिन कुमार चौधरी, आनंद कुमार रॉय, धर्मेंद्र, VK सिंह, RK प्रसाद ने विभाग में डुअल मोड GPS, बीम रडार इमेजिंग तथा डिजिटल थेडोलाइट की जानकारी दी। सर्वो ऑफिसर अनिल कुमार ने नवीनतम तकनीकी फोटोग्राम मेटी तथा डिजिटल कार्टोग्राफी पे उल्लेखन दिया। उसके उपरांत छात्रों ने भारत मौसम विभाग अनिसाबाद में दौरा किया, जहां निर्देशक VK सिंह ने छात्रों का विशेष स्वागत किया। राजभवन पटना में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान अन्वेषण कार्यक्रम में मात्र 4 विश्वविद्यालयों की भागीदारी रही। नोडल विश्वविद्यालय मुंगेर, विश्वविद्यालय मुंगेर, स्थानीय पटना विश्वविद्यालय पटना, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी अपनी प्रस्तुति की। अन्वेषण में संबंधित
प्रदर्शन सह व्याख्यान माला का समापन समारोह आज हुआ, जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह तथा छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, विकास पदाधिकारी प्रोफेसर के साहू एवं MRM कॉलेज दरभंगा के डॉक्टर निशा सक्सेना उपस्थित थी। नोडल विश्वविद्यालय स्थानीय पटना विश्वविद्यालय के अलावा परंपरागत विश्वविद्यालयों में से एकमात्र विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की भागीदारी रही। पिछले दिनों यानी यादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित जोनल स्तर के छात्र इनोवेशन प्रदर्शन में भाग लेने वाला बिहार झारखंड से एकमात्र विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय रहा था। इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दो प्रतिभागियों में MLSM कॉलेज के अभय कुमार झा तथा MRM कॉलेज के सिल्की कुमारी को प्रतियोगिता हेतु भेजा गया था। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।